नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का फीफा जाइंट में। और दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है हम सब के लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया कैसे खेलने वाली है वर्ल्ड कप में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द आपको इंडियन फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप में, फीफा वर्ल्ड कप में खेलती हुई नज़र आ सकती है। तो दोस्तों आखिर कैसे ये संभव है, तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ, इसी के ऊपर आज डिस्कशन करने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको आज एक छोटा सा रोल बताने वाला हूँ इंडियन गवर्नमेंट का, क्योंकि हम सबको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फुटबॉल को सपोर्ट नहीं करती है। तो आज छोटा सा डिस्कशन मैं उसके ऊपर भी करने वाला हूँ, और प्रूफ के साथ डिस्कशन करूँगा, फैक्ट्स के साथ डिस्कशन करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं करने वाला। तो दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा 2026 के वर्ल्ड कप के बारे में। तो दोस्तों मैं 2023 वाले वर्ल्ड कप जो कि कतर में होना, उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा, तो उसके बारे में मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों अब हम उस वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पॉइंट्स इतने नहीं है कि हम नेक्स्ट राउंड में जा सकें। तो अब हमको 2026 वाला वर्ल्ड कप टारगेट करना पड़ेगा। और दोस्तों जो 2026 वाला वर्ल्ड कप है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, और स्पेशल क्यों होने वाला है, क्योंकि अब तक AFC यानी कि एशिया को केवल 4.5 स्पॉट मिलते थे वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब तक केवल 4 ही टीमें वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पाती थी एशिया की तरफ से, लेकिन 2026 में रूल्स में कुछ चेंज आया है और हमको 8 स्पॉट मिलेंगे, यानी कि 8 स्पॉट मिलेंगे। तो एशिया की तरफ से अब 8 टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं फीफा वर्ल्ड कप में, और अगर हमको उन 8 टीमों में अपना नाम लाना है तो हमें नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, ठीक है, जो कि 2025 में या 24 में शुरू होंगे, उसमें हमें क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचना है। और दोस्तों एशिया जहां कतर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया जैसी तकड़ी तकड़ी टीमें हैं, वहाँ सेमीफाइनल्स और फाइनल्स तक पहुँचना तो डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्वार्टर फाइनल्स तक दोस्तों हम पहुँच सकते हैं अगर AIFF थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा ग्रास रूट लेवल पे ध्यान दे, और थोड़ा सा जो हमारे यंग प्लेयर हैं जो कि ISL में भी खेलते हैं और जो हमारी इंडियन नेशनल टीम में भी हैं, जैसे अपुया हुआ, आकाश मिश्रा हुआ, ठीक है, सुरेश हुआ, ठीक है, ईशान हुआ और धीरज हुआ, इनको ग्रूम करने के ऊपर अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो डेफिनेटली हम 2026 वाले वर्ल्ड कप में खेलने के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है। तो दोस्तों अब आपसे नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ता हूं मैं। जो नेक्स्ट अपडेट आने वाला है वो आप में से कुछ लोगों ने सुन लिया होगा। तो दोस्तों इस साल की स्टार्टिंग में एक न्यूज़ आई थी कि AFC एशियन कप के लिए AIFF ने बिड लगाई है, ठीक है, AFC एशियन कप 2027 को होस्ट करने के लिए AIFF ने बिड लगाई है। और दोस्तों ये जो बिड थी वो 250 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की थी। तो दोस्तों ये जो 250 करोड़ रुपए की जो बिड लगाने के लिए रेडी हो गया ऑक्शन में AIFF, ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये इंडियन गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से हुआ है। गवर्नमेंट ने दोस्तों इसको सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट ने AIFF को बोला है कि आप बिड लगाओ और होस्टिंग राइट जीतो ऑक्शन के अंदर, ताकि हम 2027 वाला AFC एशियन कप होस्ट कर सकें। और दोस्तों इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है हमारी इंडियन फुटबॉल को, क्योंकि अगर मान लो हमने ये होस्टिंग राइट जीत लिए और 2027 में AFC एशियन कप इंडिया ने होस्ट करा, तो दोस्तों इससे जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा AIFF को जाएगा, और दोस्तों वो जो हिस्सा है वो AIFF इंडियन फुटबॉल की डेवलपमेंट में यूज़ करेगा, जिससे कि हम जल्द से जल्द ग्रो कर सकते हैं फुटबॉल में, ठीक है। तो दोस्तों ये जो AFC एशियन कप 2027 है, इसके बहुत हाई चांस हैं कि ये इंडिया में होस्ट हो सकता है। तो दोस्तों उसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, ठीक है। ये जो न्यूज़ है 2-3 दिन पहले ही आई है कि जो हमारी AIFF है उसने रोड मैप बनाया है इंडियन वुमेन्स टीम के लिए 2027 वाले वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए। तो जो 2027 का सीनियर वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें AIFF चाहती है कि हमारी जो वुमेन्स टीम है वो क्वालिफाई कर ले, ठीक है, हम मतलब चूके ना, क्योंकि हमारी फीफा रैंकिंग वुमेन्स टीम की बहुत अच्छी है, ठीक है, 50+ है, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास जो प्लेयर्स हैं वुमेन्स टीम में वो भी बहुत अच्छे हैं, बाला देवी जैसे हमारे बेहतरीन प्लेयर हैं वुमेन्स टीम के अंदर, तो हम दोस्तों डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हैं वुमेन्स टीम में। और वो उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए हमें जो भी चीज़ें करनी होंगी, जो भी हमें चाहे वो मैच ज़्यादा खेलने पड़े, चाहे हमें अपना कोई लीग स्ट्रक्चर इम्प्रूव करना हो, उसके लिए एक रोड मैप तैयार करा है AIFF ने, ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने, और उस रोड मैप को फुल सपोर्ट दिया है हमारी
इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है क्या दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है वो AIFF को बोला है कि हम आपके इस रोड मैप को, इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हैं, चाहे इसमें कितना भी पैसा लगे, सारा पैसा इंडियन गवर्नमेंट इस पर खर्च करने वाली है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने केवल एक ही शर्त रखी है कि 2027 वाला जो वर्ल्ड कप है उसमें वुमेन्स टीम हमारी क्वालिफाई कर ले, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं AIFF इस काम को कैसे करती है, उन्होंने क्या रोड मैप तैयार करा है, इसके ऊपर अभी तो कोई खबर आई नहीं है, ठीक है। जैसी कोई खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हाँ ये है कि उन्होंने एक प्लान तैयार करा है और वो प्लान उन्होंने हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी को भी दिखा दिया है, ठीक है। और उन्होंने इस प्लान पर एग्जीक्यूशन देने की पूरा वादा किया है AIFF को। तो दोस्तों आप देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।